Cute.
मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज सुर झनकार की तरफ से मुझे ये अवार्ड दिया गया, और जो बहुत गुड कॉज के लिए ये प्रोग्राम हुआ, और मैं धन्यवाद देती हूँ सबको। मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी की बात। स्टेज पे आपने कुछ गाने भी गाए आपके साथ जो आपने? जी हाँ, मैंने प्लेबैक बहुत बचपन से ही किया। पहली फिल्म थी हिमालय की गोद में, जिसमें रफ़ी साहब के साथ मैंने डुएट गाया था। उसके बाद जब जब बाहर आई आपने सुना, वो भी मैंने गाया। ऐसे बहुत सी फिल्मों में मैंने गाने गाए, और बहुत सारे शोज़ मैंने, शंकर जय किशन नाइट्स, आर डी बर्मन नाइट्स, कल्याण जी आनंद जी नाइट्स, लक्ष्मीकांत पेरेलाल नाइट्स, सभी इसमें मैं मेन आर्टिस्ट हुआ करती थी। और मुझे पूरे 50 साल से भी ऊपर हो गए जब मैं इंडस्ट्री में गा रही हूँ। तो मैंने स्टेज पे देखा रफ़ी साहब को, बहुत सारी आपने याद किया, आपने बहुत हाँ जी याद किया आपने। जी जी, कुछ वक्त जो आपको रफ़ी साहब के साथ आपको बात हुआ, कुछ आपको महीने में घूम रहा, कुछ बहुत याद आता है कुछ? आपको क्या बताऊँ, रफ़ी साहब की मैं सुबह से लेकर रात तक की याद करती हूँ, इतनी ज़्यादा। मैंने 20 साल उनके साथ काम किया, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड उनके साथ मैं गई हूँ, और हर जगह वो मुझे ही प्रेफर करते थे कि उषा ही मेरे साथ गाएगी। पहले में आप में क्या डिफरेंट दिख रहा है, पहले के गाने में और अभी गाने में क्या डिफरेंट है? पहले के म्यूज़िक के बारे में, अभी प्लेबैक के बारे में लोगों के, पहले के गाने जो थे वो रूहानी होते थे, दिल को वहाँ उसमें बोल इतने प्यारे होते थे, जैसे साहिर साहब थे, शैलेंद्र जी थे, मजरू साहब थे, ये सब आनंद बख्शी साहब, इन्होंने इतने अच्छे अच्छे गाने लिखे कि वो दिल में उतर जाते थे, और धुनें भी इतनी अच्छी बनती थी। सभी बड़े म्यूजिक, मेरा गाना मैं गाऊं, जब मैंने गाया मुझे ये गाना बहुत पसंद था, ये रफ़ी साहब की वजह से ही मुझे मिला था, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा था। और आज गुप्ता जी भी यहाँ आए, क्योंकि उनकी उनकी ही फिल्म थी, राजश्री प्रोडक्शंस की पहली फिल्म तकदीर, जिसमें मैंने फरीदा जलाल के लिए प्लेबैक दिया था। और वैसे मैंने बहुत से गाने गाए, आपके पसंद का एक दो लाइन कर बंद कर लेंगे तो मैं गा सकती हूं। आप तो एडिट कर लेते हैं, अच्छी बात है। तुम याद आए,
13 साल की थी जब ये गाना गाया था। ओके थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू बोलना चाहूँगा ममता श्रीवास्तव जी का। मैं बिहार में था, शूटिंग कर रहा था, उनका फ़ोन आया मुझे, गली जी आपको इस अवार्ड शो में आना, सूर्य झनकार सिने अवार्ड जो दिया जा रहा। और बहुत अच्छी बात ये है कि ये दिल्ली से आके रंगशादर जैसे हॉल में यहाँ पे सबको सम्मानित किया इन्होंने, तो ये बहुत अच्छी कोशिश है। और बहुत मल्टी टैलेंटेड लोग हैं जो भी परफॉर्म कर रहे हैं सिंगिंग में, परफॉर्मेंस डांस में, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मल्टी टैलेंटेड लोग हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए और ऐसे ट्रेनिंग भी चाहिए। ऐसी एक प्लेटफॉर्म मिलने से लोग बहुत आगे जाते हैं। इसमें बहुत से लोग हैं जो सिनेमा लाइन में आएंगे, काम करेंगे, गाएंगे, गायकी में जाएंगे। तो अवार्ड मिल के मुझे खुशी हुई और पूरी इंटायर टीम को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। सर, अवार्ड मिलने के बाद किस तरह से जिम्मेदारियाँ जो है और बढ़ जाती है? जिम्मेदारियाँ तो बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत ज़माने से जिम्मेदारियाँ ली है काफ़ी, बहुत सारी फिल्में, 40 साल से इस इंडस्ट्री में, उससे 150 से 200 फिल्मों में काम किया है। खुदा गवाह जैसी फिल्में, सरफरोश, कोहराम, मा तुझे सलाम, इंडियन, अभी कर रहा हूँ गदर 2, जिसके लिए पूरे वाइट किया हूँ बाल को, मैंने अपने काले बाल को वाइट किया हूँ। तो जिम्मेदारियाँ बड़ी हुई है, काम तो हर करेक्टर अच्छा, इम्पोर्टेंट करेक्टर गदर 2 में अच्छा करेक्टर है, अभी मैं बता नहीं सकता हूँ चूँकि अभी वो बहुत फिल्म अच्छा। तो अभी क्या है कि फिल्म बन रही है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल बोलना ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि काम काफ़ी अब इंडस्ट्री में, 2-3 साल से तो हम सब सफ़र कर रहे थे कोरोना की वजह से, अब तो काम शुरू हुआ और बहुत संघर्ष करना पड़ा इस लाइन में आने के बाद, चूँकि हम लोग बहुत ऐसी जगह से हैं जहाँ पे सिनेमा के बारे में सोचना गुनाह माना जाता है। हमारी बहन भी वहीं से है ना, बिहार से ही हैं, तो हम सब लोग बिहार से आने के बाद कोई गॉडफादर नहीं था, बहुत समय लग गया, लेकिन ये है कि संघर्ष करने के बाद कोई चीज़ हासिल होती है तो उसका मजा कुछ और ही होता है। मुंडे जी का मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, इन्होंने मुझे टाइम टू टाइम इन्फॉर्म किया। देखिए, अवार्ड मिलने से किसी भी कलाकार का मनोबल ऊंचा होता है और हम कलाकारों को ये लगता है कि हमारे काम को हमें सराहा जा रहा है, माना जा रहा है, तो ये सम्मान तो हमेशा से बहुत ही अच्छा लगता है। लास्ट है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में। सुफियान दोलन को जल्दी से बोलो। ममता जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अवार्ड तो बहुत हुए हैं और होते जा रहे हैं, हम लोग समय समय पर वो अवार्ड लेते भी हैं। एक पहला अवार्ड है जिसका टाइटल सिनेमा है और ये हम यहाँ रंग शारदा में लेने आए हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले तो इनके ऑर्गेनाइज़रों को, ममता जी को और उनके साथ जितने भी सहयोगजक हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ, ख़ास करके मीडिया को, और मीडिया के साथ साथ मुंडे जी को इसलिए मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि रमाकांत मुंडे जी की वजह से आज हम लोग, आप सभी लोग यहाँ आए हैं। मीडिया के साथ में पहली मर्तबा मीडिया की बाढ़ आई है, मतलब इतनी बरसात बाहर है उतनी मीडिया इधर है, तो सारी मीडिया को बहुत बहुत बधाइयाँ, रमाकांत मुंडे जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं चाहता हूँ कि ये अवार्ड होते रहने चाहिए और नए नए कलाकारों को, और हम जैसे पुराने कलाकारों को भी अगर आज इस बहाने याद करते हैं तो हम लोगों में भी जवानी आ जाती है। आज इनके साथ खड़ा होकर मुझे भी लग रहा है कि मैं यंग वापस हो गया हूँ। सर, आपको लगता नहीं है कि ये अवार्ड अभी बहुत ज़्यादा होने लगा है? देखिए, सराहना या तारीफ या किसी का सम्मान करना, ये जितना भी ज़्यादा हो हमारे देश में, और हमारे देश में तो मतलब सम्मान से ही हमारा देश पहचाना जाता है। तो वसुधैव कुटुंब का जैसे हमारे यहाँ जो स्लोगन है, ऐसा वो आप जो कहना चाह रहे हैं उसके ऊपर से मालूम हो रहा है कि टेबल नीचे से आवक हो रही है, सबको पैसा लेके अवार्ड दिया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये कह सकते हैं कि कुछ लोग इसको अपना जरिया बना रखा है। अब हम कलाकारों से क्या पैसा लोगे, क्यों हम देंगे भैया? मुझे बता, आज दिलीप सेन को क्या ज़रूरत है किसी को पैसे दे के? और दिलीप सेन ने इतनी फिल्में की, इतने मेरे गाने हिट हैं और हमारी 4 पीढ़ियां फिल्म लाइन में हैं। तो मैं ये तो सब कहना कि पैसे दे के देना, ये सब की अवार्ड की बेइज्जती करना है। सर, जिस तरह से अवार्ड काफ़ी होने लगा, क्या आपको नहीं लगता कि अवार्ड से एक बिजनेस चलाया जा रहा है? ये मैं मान सकता हूँ मगर मैं कह नहीं सकता हूँ, इसलिए नहीं कह सकता। बड़े बड़े नेताओं का आज जो गांधी जी का अवार्ड हो रहा है, अटल जी का अवार्ड हो रहा है, तो ये क्या जायज है? क्या इनके नाम यूज करना है, ये जायज है? नहीं, इसके लिए तो आप उनसे पूछे ना जो ऑर्गेनाइजर है, क्योंकि हमें तो दिलीप सेन का क्या कहना है?
मेरा तो ये कहना है कि देखिए जो भी अवार्ड आप जिसको भी दें, जैसे आज एक ये सिनेमा के नाम से जो अवार्ड दिया गया है, तो उनकी योग्यता के हिसाब से उनको अवार्ड देना चाहिए। आज जैसे आज दिलीप सेन है, तो दिलीप सेन अकेला नहीं है, दिलीप सेन की चार पीढ़ियाँ फिल्म लाइन में है। मेरे पिताजी जमाल सेन, मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन, फिर हम चाचा भतीजे दिलीप सेन, समीर सेन, चौथी पीढ़ी में मेरा पोता सोहेल सेन, सीमाब सेन, और ये सारे जो सेन परिवार है, मेरे दोहते दोतियाँ सभी इसी लाइन में हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप बुलाएंगे तो उनको देना ज़रूरी है। और बाकी रही बात, देखिए अगर इन चीज़ों के लिए मेरे मुंह से किसी के लिए बुराई बुलाए तो अच्छा नहीं लगता, मेरे से तो आप गाना सुन लिया। ओके, थैंक यू। मैं आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? जी हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिनी बंसल, और ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रहती है जब भी मुझे नॉमिनी किया जाता है, मुझे अवार्ड दिया जाता है, और आज जो मुझे अवार्ड मिला है वो सिनेमा अवार्ड है, तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट रहती है। मैं मतलब मुझे काम करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, तो थैंक यू सो मच ममता जी एंड एंटायर टीम, और स्पेशली थैंक्स रमाकांत जी एंड ऑल मीडिया। रमाकांत मुंडे जी मीडिया। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है बिकॉज अवार्ड फंक्शन में जब मैं आई थी, एक्चुअली काफ़ी लेट हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ बारिश, बट अच्छा था, लोगों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, डांस एंड सिंगिंग, सो मस्त था, अच्छा था। कितना अवार्ड मिला आज तक मुझे? ये मेरा थर्ड अवार्ड एक्चुअली। पहले मैं मिस यूपी रह चुकी हूँ, उसका मिला था, एंड स्कूल में मिले हैं काफ़ी सारे, बट मुंबई में आई थिंक ये फर्स्ट है। और आगे का कोई प्रोजेक्ट आपका? एक्चुअली मेरी वेब सीरीज आ रही है हनीमून डायरी एमएक्स प्लेयर पे, तो आप सब लोग देखिएगा और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आपका परिचय दीजिए और आज आपको अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम बबीता चौधरी है और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और ममता जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ममता जी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मतलब मैं बता नहीं सकती कि इतनी खुशी हुई है ना मुझे यहाँ पे आके, और हमेशा ऐसा ही होता रहे, अच्छे अच्छा सबको अवार्ड मिलता रहे, सभी बहुत अच्छे एक्टर हैं। थैंक यू। जो है मुंबई सिनेमा अवार्ड आपको नवाजा गया और करण जी को भी दिया गया है, उनके भी आपसे आपने लिया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सुर झंकार म्यूज़िक ऑर्गेनाइजेशन से, और ममता जी को, कमल जी को, कि हमें ये अवार्ड मिला है। और मैं बहुत ये अवार्ड एक बहुत इम्पोर्टेंट अवार्ड है, और स्पेशली क्योंकि जो ये वर्क कर रहे हैं सुर झंकार सोसाइटी, जो व्हीलचेयर्स दे रहे हैं, और जो इनका सोशल एफर्ट है टुवर्ड सोसाइटी, वो एक बहुत काबिले तारीफ़ है। तो मैं बहुत बहुत इनके आभारी हूँ, इनका धन्यवाद करती हूँ। सर आप चीफ गेस्ट है आज और बहुत लोगों को अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो सुर झंकार सोसाइटी है, दे आर डूइंग प्रिटी वेल। ये इनके जो एफर्ट हैं फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन, दीज आर अमेजिंग, एंड इसकी जो प्रमोशन की जा रही है दैट टू इज़ थ्रू म्यूज़िक, जो अपने आप में मतलब आई कैन से दिस इज़ द ओनली थिंग विच कैन पुट अस इन डिफरेंट मोड्स। म्यूज़िक ही हमें हंसाता है, म्यूज़िक हमें रुला सकता है, और म्यूज़िक कैन पुट अस इन एनी मूड, एंड वी आर टू फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड वी आर टू हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। ममता जो कंपनी है थोड़ा उस बारे में बताएं। ऐसा है कि आई एम वर्किंग विद एमिल फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड, जो कि आयुर्वेदिक फार्मूलेशंस बनाती है, and I am in this organization for the last 35 years. This itself speaks about the product efficacy, about the company, and I am fond of alternative medicines, which has proved its significance during COVID-19 pandemic, if I am not mistaken. Now everybody is fond of using alternative medicines, and this is going to be the only remedy in time to come by giving immunity, body immunity. This is what I would like to say. मैडम ममता जी के बारे में क्या बताइए? अरे ममता जी तो इतनी ब्यूटीफुल सोल हैं, और जो ये काम कर रही हैं, जिस ऑनेस्टी के साथ वो काम कर रही हैं, वो तो इट इज़ अमेजिंग, आई मीन द वे, और इतनी डेडिकेशन के साथ है ना, और जबकि उन्हें दिल्ली से मुंबई आना इतनी चैलेंजेस के साथ, इतने मुश्किलों के साथ, लेकिन फिर भी वो यहाँ आईं,
और उनके दिल में एक फेथ था कि मेरा शो सक्सेस जाएगा, मेरे को सबका सपोर्ट मिलेगा। और मैंने उनके पहले शो में ही देख लिया था उनके अंदर कि उनके स्पिरिट में एक वो सोसाइटी के लिए कुछ करने का एक जज्बा था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत टच किया उनका। ओके, थैंक यू। और शायद हमारे जुड़ने का जो रीज़न रहा है, सबसे बड़ा रीज़न, जैसा अभी मैडम ने कहा है, दिस हैज़ बीन द ओनली रीज़न, शी इज़ वर्किंग फॉर अ नोबल कॉज एंड शी इज़ फुली डिवोटेड, फुली डेडिकेटेड, एंड वी सल्यूट हर, वी सल्यूट हर एफर्ट। थैंक यू। और आयुर्वेद में मैं भी बहुत विश्वास करती हूँ, और जहाँ अगर आप देखें, जैसे हम बना रहे हैं फिल्म हिंदुत्व, तो हमारी जो सभ्यता, हमारी जो संस्कृति में ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हैं जी। आयुर्वेद, आयुर्वेद द नॉलेज ऑफ लॉन्ग लाइफ, ऑफ लॉन्जेटिविटी, तो ऐसे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मुझे लगता है आज तक वेस्टर्न साइंसेज ने डिस्कवर तक नहीं की हैं। So I really love this field. And rather nowadays they are honoring us. They are honoring Ayurveda, and I have been awarded Doctorate of Natural Medicine by Examining Board of Natural Medicine Practitioner Canada. Wow. Madam. Wow, that's amazing. It's Ayurveda getting us. It's alternative medicines getting us the honor. Amazing. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Namaste. मेरा नाम है तृप्ति राजपूत. मैं basically गुजरात से हूँ. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों की दुआ से मुझे ये अवार्ड मिला है, मेरे टैलेंट को पहचाना गया. सो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर. आप कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपका अवार्ड मिलने का कारण क्या है? जी, मैंने सीरियल्स की हुई है, जैसे कि देवों के देव महादेव, पवित्र रिश्ता, हमारी लव स्टोरी, एंड मैंने कुछ फिल्म भी की हुई है, हैदराबादी फिल्म लाइक 8 नवंबर करोड़पति, एंड क्या तुम मेरी बॉलीवुड मूवी भी है जी. ममता जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना और मुझे यहाँ पे बुलाया. सो थैंक यू सो मच ममता जी, उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर आप सबके बीच में हूँ. ओके, थैंक यू. थैंक यू. सबके साथ जो बजाते हैं वो हमारे सब ओरिजिनल म्यूजिशियंस हैं. मतलब ये जो आप जो शो देख रहे हैं उसमें कोई ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से भी पकड़ के, वो तो शायद आप लोग क्वालिटी देख ही रहे होंगे, तो अब आप मुझसे बेहतर बता सकते हैं जी. मैं तो आई एम ऑन द स्टेज. ममता जी के बारे में क्या कहना है? ममता जी बहुत ही टैलेंटेड है और मुझे बहुत, उनको मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ. मेरी दुआएं हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आने वाले टाइम में उन्होंने एक्चुअली 500-600 ये सुरझंकार के कॉन्सर्ट्स किए हैं, बट दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, ये उनका मुंबई में पहला शो था. तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि प्रेम जी मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो मैं मुझसे जो हो सके और जो मैंने किया वो आप लोगों के सामने है. आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग आए थे सारे लोग पर्सनली, उन लोगों ने मेरे नंबर लिए मेरे काम की वजह से, कि जो आपका काम है वो एक आउटस्टैंडिंग है. मैं तो एज ए कंडक्टर सारे सिंगर्स हूँ इनको, कल मैंने सारे लोगों को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी दिल्ली से. एक्चुअली इसमें 70% जो सिंगर्स हैं दिल्ली से, मुंबई के कुछ लोग हैं, तो मैंने उनको कल हमारा यहाँ पे एक रिहर्सल हॉल में बुला के सब लोगों को प्रॉपर वे में, जो उसका आज आप ये रिजल्ट देख रहे हैं बहुत अच्छा. और मैं जो एक थक गया हूँ, अभी मुझे यहाँ से भाग के रशिया प्लेन पकड़ना है, मेरा वहाँ 13 तारीख को कॉन्सर्ट है, तो अब यहाँ से निकलूँगा सीधा घर पे जाऊँगा, बैग लेके एयरपोर्ट भागना है, मेरी 5 बजे की फ्लाइट है रशिया. बताइए. मेरा नाम रिदम रूहानी है और मेरे टी सीरीज से और अमर ऑडियो से पहले काफ़ी गाने आ चुके हैं, तो अभी राइट नाउ मुझे बहुत अच्छा लगा सिनेमा अवार्ड्स के लिए, और मैं उसके लिए पूरी टीम के लिए थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे याद किया और सबके मुझे सबको मिलने का और परफॉर्म करने का यहाँ मौका मिला. अभी मेरी बहुत सारी अपकमिंग एल्बम्स आ रही हैं 2-3, जिसमें जिसका नाम है मेरी रूह एक सॉन्ग है, और एक मेरी वंग बॉलीवुड गाना है, और मेरी रूह जो है वो एक सूफी गाना है. तो ऐसे बहुत सारी एल्बम्स आने वाली हैं बहुत जल्दी ही और किसी अच्छी कंपनी से, तो आप इसे ज़रूर प्यार दीजिएगा और
बस मैं यही कहना आज के कार्यक्रम के ममता जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, ममता जी ने ये बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, जो बहुत अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ को बुला के और उनको यहाँ पे अवार्ड दिया है, तो वो खुद भी एक बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी, तो आई एम वेरी मच लाइक थैंकफुल टू कि उन्होंने यहाँ इन्वाइट किया सबको और सबके मुझे सबको मौका मिला मुझे मिलने का, थैंक यू सो मच। ममता जी आज वेरी सक्सेसफुल आपका शो रहा है, क्या कहना चाहेगा, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? सर अच्छा ही लगता है, नेचुरल सी बात है, एक अचीवमेंट है, एक नया अनुभव है हमारे लिए कि हम इस मंच तक आए दिल्ली से और यहाँ के लोगों ने बहुत कुछ सिखाया, आगे और कैसे हार्ड वर्क हो सकता है, कैसे क्या कर सकते हैं, तो नेचुरल सी बात है। और सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि आप सब लोगों ने हमें इतना मोटिवेट किया, हमारे साथ है राजन सर, तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी सर भी हैज़ बीन डूइंग प्रीटी वेल एंड if I am not mistaken, she is going to touch new heights very soon. The way she is working and working for a noble cause, we are proud of her, really proud of her. Full of energy, full of enthusiasm and working in right direction, please. So thank it's you. Our pleasure to be associated with her. ये पहला आपका शो था मैडम, क्या कहना चाहेंगे आप, आगे भी प्लान है आपका? सर शो तो मैंने बहुत सारे किए हैं टीवी के भी, बहुत रियलिटी शोज़ किए हैं, जो सिंगर बहुत किए हैं, बहुत सारे किए हैं, लेकिन ये था कि बॉम्बे के रंगमंच पे इस तरह का मेरा ये पहला शो था लाइव। मुंबई के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मुंबई हमको जम गई तो ये है कि बस आगे हम लोग ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट लेके आते रहेंगे। आमची मुंबई, यस। तो मुंबई वालों का थैंक यू, और मैं इसमें राजू सरानी जी, मुंडे जी, इनके ये नामी लोग हैं, इन्होंने हमारे साथ फर्स्ट टाइम में कदम से कदम मिलाया, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू All of you, my sponsored, my dignitaries, Sabhi. I'm also behind you. Yes. और हमारे साथ हमारे म्यूजिक डायरेक्टर प्रेम जी, इनका परिचय देने की जरूरत नहीं है, मुझे सभी लोग वाकिफ है कितनी फिल्में। दूसरा शो कभी ला रहे जी दूसरा शो बस सर जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग लाएंगे। और मुंडू जी थैंक यू सो मच, आप प्लीज जी बताइए, मेरे बारे में बताइए। मुंडे जी आपको भी अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे ममता जी, जी के मैं लिए? ममता श्रीवास्तव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरी मुंडे मीडिया की जो पूरी टीम आई है मीडिया की, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और ममता जी फिर नेक्स्ट अवार्ड के लिए फिर मुझे मेरे साथ रहेगी पक्का सर, ये उनके तरफ से सुनने की जरूरत नहीं है। जी जी थैंक यू, आप लोगों के सेव के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। आपका प्यार देखते हुए मीडिया भी 6 बजे से आया है। स्पेशल अप्लॉज फॉर प्रेम जी, जिन्होंने आज पूरा समा बांधा है सर। जी जी मीडिया के लिए तो मीडिया हमें खुद ही लाती है सर मीडिया नहीं तो हम नहीं। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाय सुर झनकार, बाय ममता श्रीवास्तव। बहुत अच्छा, मैं बताऊँ ममता जी का पहले भी दिल्ली में बहुत इवेंट या शो किए हैं, पूरे भारत में करते रहते हैं, आज बम्बे में आए हैं तो ये देखा आपने कि बहुत अच्छा संगीत का भी था और आपने देखा कि डांस भी अच्छा परफॉर्मेंस किया सभी ने। साउंड ट्रैक कंपनी हमेशा इनके साथ रहती है और बहुत कलाकारों को मंच देती है, और आज संजीव जी, सूरी साहब हो गए, ममता जी खुद कलाकार हैं, और मैं आपको बताऊं कितने कलाकार, हजारों कलाकारों को सिखाया भी है और बहुत प्रमोट भी किया इन्होंने। आज जो ये इवेंट हुआ है, ये बहुत अच्छा इवेंट हुआ है, और आगे भी कोशिश करेंगे आज से बेटर और भी हो और होते रहेंगे ऐसे इवेंट। ममता श्रीवास्तव ये वास्तव में इतनी अच्छी हैं कि इन्होंने दिल्ली में इतने कार्यक्रम किए हैं और आज बॉम्बे में धमाका किया है। ये फर्स्ट इवेंट हमारा बॉम्बे में है और सोनोटेक वीडियो हमेशा ममता जी के साथ है, और संजीव सूरी जी और उनका पूरा ग्रुप सुर झनकार, तो जो एक तरह से ये दिल्ली की गीता माँ है, इतने बच्चों को मंच देना, अपने बच्चियों को भी सिखा रही हैं और खुद भी एक्टर्स भी हैं, डांसर भी हैं और बेस्ट सिंगर भी हैं, तो बहुत सारी प्रतिभाएं हैं इनके साथ, तभी ये मंच चलता है, तभी लोग विश्वास करते हैं सुर झनकार पर। और हमारी भी बेस्ट विशेज हैं कि सुर झनकार ऐसे ही पूरे भारत में कार्यक्रम करे, और हम बम्बे को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, ये तो फिल्म इंडस्ट्री है पूरी, और आप लोगों ने अच्छा स्वागत किया हमारा, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपका हमेशा ही धन्यवाद करेंगे। मैं सबको बता दूं कि सोनोटेक कंपनी अपने आप में एक ऐसी पहचान है
कि हम सब जैसे कहते हैं ना कि पैदा हुए हैं उससे, बच्चे हैं, तो इसके लिए मैं इन लोगों का आभार प्रकट करूंगी कि इन्होंने हमेशा साथ खड़े होकर हमेशा आगे बढ़ाया है, बहुत सारे कलाकारों को बढ़ाया है, लेकिन मैं अपने लिए इसलिए कहूंगी कि इस तरह के शोज़ में जब भी मैंने बोला सर इतनी दूर दूर चल के आए तो थैंक यू सो मच सर। सर आप भी एयरपोर्ट में आए, सेलिब्रिटी का शादी करवा रहे हैं, आज कितना शादी का ऑर्डर मिला है? सबसे पहले तो मैं सुरजकार सोसाइटीज़ का थैंक्स और इनको धन्यवाद, और सपोर्ट तो हम कर ही रहे हैं कि जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए और बच्चों को भी ये कल्चर एक्टिविटीज़ में सपोर्ट करते हैं, बाकी हम भी इनके साथ जुड़े हैं और हम चाहते हैं जैसे दिल्ली में इन्होंने 500 से ऊपर शो किए हैं तो बॉम्बे में उससे भी ऊपर करें। जी हमारे बीच रश्मि कपूर जी नहीं रही, आज हमारे मतलब जो आई नहीं वो कंपनी से फाउंडर हैं मैट्रिमोनियल कंपनी की, तो आज वो ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आ पाई हैं, बट फ्यूचर में हम उनसे इनके साथ रेगुलर टच में रहेंगे और वो प्रेजेंट होंगे अगले शो में। थैंक यू बोलिएगा मैम।